वहाँ के रहने वाले हैं, मेरठ में। मेरा बचपन जो गुजरा वो कश्मीर में गुजरा, वाले कश्मीर में थे, तो 6-7 साल वहाँ कश्मीर में रहे। उसके बाद फिर 2 या 3 साल मेरठ में रहे और उसके बाद फिर नाइजीरिया चले गए थे वेस्ट अफ्रीका। तो 15 साल वहाँ पे थे अफ्रीका में, तो पढ़ाई सब वहीं से की है, ग्रेजुएशन वहीं से किया है इंजीनियरिंग में। और उसके बाद फिर काम भी वहीं शुरू किया, 4-5 साल वहीं किया। उसके बाद फिर 1 साल के लिए इंडिया आ गया था, इंडिया में काम किया 1 साल के लिए फ्लेक्स इंडस्ट्री में नोएडा में। और उसके बाद फिर मैं निकल गया सऊदी, तो सऊदी करीब 9-10 साल रहा। और उसके बाद दुबई 10 साल दुबई, तो 2016 में वापस हिंदुस्तान आ गया था। तो ये था कि मतलब ऑलमोस्ट पूरी ज़िंदगी जो है बाहर गुजर गई है, तो ये था कि अब थोड़ा अपने घर की तरफ चलें और वहाँ पे भी देखें कुछ क्या कर सकते हैं। तो इसी बीच मेरी मुलाकात प्रधान भाई से और ओएस भाई से इनसे हुई, और उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे कंपनी है खासियम, तो इसमें अगर आप जुड़ गए। तो इससे पहले मैं करीब 10-15 साल पहले एक कंपनी थी कॉसेट्स के नाम से, उसमें जुड़ा था मैं। उसमें टाइम किसी से मुझे कुछ काम था, तो उसने कहा जुड़ जाओ। मैंने कहा थोड़ा ठीक है जुड़ जाते हैं, लेकिन उसने कुछ फॉलो नहीं किया। तो मैंने इनसे ये पूछा मैंने कभी कंपनी का जुड़ने से क्या मुझे क्या फ़ायदा या किसी और को, तो उन्होंने बताया कि इसमें जुड़ने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए आप कुछ कर जाएंगे। इनके लिए हर आदमी सोचता है कि भाई मैं अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर जाऊँ, जो मुसीबत मैंने उठाई है मेरे बच्चे ना उठाएंगे, उनके बच्चे ना उठाएँ। तो उसके लिए वो चाहता है कि कुछ ना कुछ अच्छा कर जाए, कुछ ऐसा काम करे जो सदियों चलेगा। तो उन्होंने बताया कि भाई ये आश्रम में जो बिज़नेस है ये 1-2 साल का बिज़नेस नहीं है, सदियों का बिज़नेस है। जो आपकी पुश्ते जैसे आम का बाग आप लगाते हैं, तो उससे आपको कल फल नहीं मिलेगा। आम के पेड़ लगाते हैं, पहले होता था कि 10-15 साल के बाद फल आता था, लेकिन अभी जो ब्रीड अच्छी हो गई है तो 5 साल के बाद आता है। लेकिन वो उसकी जो फसल होती है वो नस्लें खाती हैं, 20-25-30 साल 50 साल 100 साल का। तो आरसीएम को बिज़नेस आपको वैसे ही समझे कि आपने एक पेड़ लगा दिया और उसको आपको बच्चे की तरह सींचना है, जब तक सींचना है जब तक आप एक लेवल तक पहुंच जाएं, और उसके बाद फिर आपको बैठ के आगे वो करना है। तो ऐसा नहीं है कि आप आरसीएम में आज आपने ज्वाइनिंग की और आप कहेंगे कल से मेरा 10,000 का चेक क्यों जा रहा, ऐसा नहीं होने वाला। दुनिया में कोई भी किसी भी काम में आप हाथ डालोगे तो किसी भी काम में ऐसा नहीं होता कि आप आज पैसा लगाओ कल से आपको, कोई ऐसा काम नहीं, मुझे तो नहीं पता। सिर्फ एक काम को छोड़ के अगर आप अफीम गांजे का काम शुरू कर दो उसमें तो आप हाथ लगाओ कल मिल जाएगा, लेकिन उसमें सजा भी ऐसी होगी कि आप पकड़ेंगे तो गर्दन तलब। सही बात। उसके अलावा कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें आप आज पैसा लगाओ और कल आपको उसका रिटर्न हो जाए। छोटी सी मैं सलाह आपको दूँ, अगर आप छोटी सी दुकान भी खोल के बैठोगे ना परचून की, उसमें आप 30-40-50 हज़ार का सामान रखोगे, उसको भी चलने में कोई गारंटी नहीं है उसकी कि चलेगी नहीं चलेगी। अगर चल गई तो भी 3-4 महीना तो लगेंगे कम से कम, उसमें भी लोग कहेंगे जी हम तो पैसे महीने के आखिर में देंगे, उधार चलता है उसमें, उसका भी कोई गारंटी नहीं कि वो पैसा वापस आएगा नहीं आएगा। लेकिन ये बिज़नेस ऐसा है कि इसमें आपको कंपनी ने कहा है कि भाई प्रोडक्ट की गारंटी कंपनी की है कि अच्छा प्रोडक्ट हम आपको देंगे, और आपको कंपनी ये भी कहती है कि आप उसको प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, प्रोडक्ट को आप पहले खुद इस्तेमाल करो, जब आपको लगे कि हाँ ये चीज़ अच्छी है तब आप उन्हें दूसरे भाई को बताओ। ऐसा नहीं कि आप किसी के कहते हैं ना एक टोपी बना दी आपने किसी को, नहीं, वो कंपनी बिल्कुल कहती है इस काम को बिल्कुल नहीं करना है, प्रोडक्ट को आप खुद इस्तेमाल करो, आपको अच्छा लगे तो दूसरे को बताओ। और इसमें बताने का इतना कुछ खास नहीं है, हम सभी लोग एक वो है हर घर एक लाला की दुकान से बंधा हुआ है, तो 30 साल से 50 साल से 70 साल से राशन ले रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ से क्या मिलता है हमें, अगर हम पूछ रहे हैं कि भी हम 50 साल से एक लाला से ले रहे हैं, उस लाला ने क्या दिया हमें, कुछ नहीं दिया, ना तो माल की गारंटी ना मिलावट की गारंटी, ठीक है। और ये हो सकता है कि भाई आपने 2-2.5 हज़ार का अपना माल लिया, उसने कहा जी चलो 200 रुपये छोड़ दो, इतना ही करता है और तो कुछ नहीं करता, और तो कोई गारंटी नहीं लेता। लेकिन यहाँ कंपनी गारंटी ले रही है कि आप अगर जुड़ गए और आपने दूसरे लोगों को जोड़ा, अच्छा प्रोडक्ट खाने को मिला आपको, आपने दूसरों को बताया उनको अच्छा प्रोडक्ट खाने को मिला, एक तो आपकी सेहत अच्छी हो गई तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, आपकी सेहत अच्छी हो गई तो आप दूसरे कामों में अपना दिमाग लगा सकते, और वो और कंपनी ने कहा कि मैं आपको अच्छा प्रोडक्ट दूंगा और आपको
आपकी जो अगली नस्लें हैं उनकी गारंटी मैं ले लेता हूँ, ये कंपनी का वादा है। तो प्रोडक्ट अच्छा मिल गया, कंपनी ने गारंटी दे दी, तो इसमें अगर हम मेहनत करके भाई 2-3 साल, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो 2-3 साल ना करके कुछ महीनों में चीज़ कर देते हैं, बहुत से हम लोग टीमें ऐसे हैं जो 2 साल का काम है वो उन्होंने 4 महीने में कर दिया, तो आपकी मेहनत के ऊपर है, जितनी आप मेहनत करोगे उतना उसका फल मिलेगा आपको। तो मेरा बस ये कहना कि ये कंपनी ऐसी है कि ये आपको एक बार आपने इसमें काम कर लिया 2-3 साल, 4 साल जुड़ के, तो आपकी अगली नस्लों की जो आपकी टेंशन है पैसे की और या क्या कहाँ से ये आएगा, प्रोग्राम खुदन रहा था आपको कुछ हो जाता है कल, तो भाई आपके बच्चे कैसे रहेंगे कहाँ रहेंगे, तो वो सब चीज़ों को आप वो कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के मैं अभी अपने जो वेज भाई हैं इससे जुड़े हैं RCM से, और इनके पास इनके वजह थोड़ी सी एक स्टोरी पर मैं बता दूं, इनको जब ये जुड़ रहे थे तो उनको दवाई का ऑफर आ गया था, इसलिए डॉक्टर रहेंगे, और 80-90 हज़ार महीने की तनख्वाह थी, तो लेकिन फुरकान भाई इनको मिले, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे कंपनी जुड़ जाओ, तो पूरे घर वाले तैयार थे कि भाई नहीं कुछ फ्लाइट होने वाली, जाना जाना सब खुश थे कि भाई जा रहे हैं, इन्होंने कहा कि नहीं मुझे इस कंपनी से जुड़ना, तो सारे घर वाले इनके खिलाफ हो गए कि भाई ये इसने पता नहीं क्या काम कर दिया, बहुत गलत काम हो गया, लेकिन इन्होंने मेहनत से अपनी लगन से उस चीज़ में लगे रहे, और जैसे इनके अपलाइन कहते रहे कि भाई ऐसा करना है ऐसा करना है, तो अल्लाह ने इनको इस चीज़ से नवाजा, क्योंकि इनकी मेहनत इतनी थी, इतनी मेहनत थी कि इन्होंने ना रात दिन देखा ना दिन देखा और इसमें लगे रहे, क्योंकि उनको इनके सारे रास्ते बंद हो चुके थे, इन्होंने कहा अब मैं अगर इसमें कामयाब नहीं हुआ तो घर वाले कहेंगे भाई देखो दुबई का ऑफर था वहाँ नहीं गया, अब ये यहाँ टाइम ख़राब किया। तो मेरे सिर्फ इतना ही कहना है कि इसमें आपको लगन से लगना है, मेहनत से लगना है, और अल्लाह से दुआ करनी है, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होने वाला, तो आप चाहे जितनी मेहनत करते रहो जब तक आप अल्लाह की मर्ज़ी और उसकी बताई हुई उस पर नहीं चलोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो इंशाल्लाह सारी जो जैसे आप लाइन बताएंगे और अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो हम इसमें बहुत आगे निकल सकते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम ना करते हुए इन्वाइट करूँगा अपने ओएस भाई को कि वो आके जो प्लान है उसके बारे में बताएँ, और जो भी इंशाल्लाह